आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह, आपके समक्ष झारखंड के 24 जिलों की खबरों के साथ। फटाफट सुनिए आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस। पहली खबर, रिम्स पहुंचे सीएम रघुवर दास, कराई जांच, कार्डियोलॉजी विभाग में हुआ हेल्थ चेकअप। दूसरी खबर, सीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल ने की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा, कहा 35 लाख किसान बनेंगे सशक्त। तीसरी खबर, रामचंद्र सहिस ने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी। चौथी खबर, मोहन भागवत रांची में, बुधवार को जाएंगे सिमडेगा, राम रेखा धाम में बाबा उमाकांत महाराज से मिलेंगे। अबारी है खूंटी एक्सप्रेस की। पहली खबर, भाजपा नेता मांगू मुंडा की हत्या में शामिल चार अपराधी गिरफ्तार। हेड गोवा गांव में भाजपा नेता मांगू मुंडा, बेटा लिपराय मुंडा, पत्नी लखमनी मुंडा की हथियार और टांगी से निर्मम हत्या कर दी गई थी। अबारी है लोहरदगा एक्सप्रेस की। पहली खबर, लोहरदगा में अगले 2 माह तक सभी पंचायतों में लगेगा जनता दरबार, सुनी जाएंगी लोगों की समस्याएं। अबारी है जमशेदपुर एक्सप्रेस की। पहली खबर, एक कमरे में धराए 4 युवक और युवतियां, पुलिस भी रह गई तंग। जमशेदपुर के मांगो इलाके में एक फ्लैट में 4 युवक युवतियां अनैतिक कार्य करते पकड़े गए, पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की थी। दूसरी खबर, जमशेदपुर के परसोडीह में पेड़ से लटकती लाश मिली, उड़ीसा का निवासी था, मृतक की पहचान का पुलिस पता लगा रही है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि मामला खुदकुशी है या हत्या। तीसरी खबर, कांग्रेस में फिर गरमाई राजनीति, पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू बोले, गठबंधन हो या ना हो हर हाल में घाटशिला से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। अबारी है पश्चिमी सिंहभूम एक्सप्रेस की। पहली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में हाथियों का उत्पात, घर तोड़े। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया, घर को क्षतिग्रस्त कर हाथी धान खा गए, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने झुंड को गांव से खदेड़ा। दूसरी खबर, एथलेटिक प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी हुए सम्मानित, नोवामुंडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नोवामुंडी फीडर सेंटर की ओर से वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसके विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। तीसरी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में 5679 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित, पश्चिमी सिंहभूम जिले को अति कुपोषित की श्रेणी में रखा गया है, यहां 5000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, योजनाओं को सख्ती से लागू करने का निर्देश। अबारी है सरायकेला एक्सप्रेस की। पहली खबर, आरटीआई थाना क्षेत्र में हैवानियत की हद, नाबालिग को अगवा कर 4 हैवानों ने किया दुष्कर्म। सरायकेला खरसावां जिले के आरटीआई थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ अगवा कर 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद सभी उसे छोड़कर भाग गए। दूसरी खबर, अब सरायकेला के मंदिर में नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने उमड़े लोग। सरायकेला के एक मंदिर में नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने के लिए लोगों की कतार लग गई, लोग इसे चमत्कार मान रहे थे और पुण्य बटोरने की होड़ थी। तीसरी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। गम्हरिया प्रखंड के रांगामाटी गांव में भाजपा सदस्यता अभियान चलाया गया, इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाग लिया। अबारी है सिमडेगा एक्सप्रेस की। पहली खबर, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, भागवत बुधवार की सुबह सिमडेगा पहुंचेंगे, यहां वो रामरेखा धाम जाएंगे और वहां पूजा अर्चना के बाद संतों से मिलेंगे। दूसरी खबर, सर्पदंश के बाद झाड़ फूंक में गई कस्तूरबा की छात्रा की जान। कुरडेग प्रखंड के उरुमकेला गांव में बीती रात करीब 2 बजे घर में सोई हुई कस्तू देवी को जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह उसके परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक में लग गए, जिससे लगातार उसकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः मौत हो गई। तीसरी खबर, विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ का धरना 3 को,
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षक 3 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। अबारी है लातेहार एक्सप्रेस की पहली खबर। समाहरणालय परिसर में लगा जनता दरबार, DDC माधवी मिश्रा ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, दिया आश्वासन। अबारी है पलामू एक्सप्रेस की पहली खबर। स्नातक साइंस में नामांकन को लेकर छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश, आक्रोशित छात्रों ने AK सिंह डिग्री कॉलेज में ताला जड़ा। सोमवार को छात्र नेता के विश्वा के नेतृत्व में ग्रामीण छात्रों ने प्राचार्य का घेराव किया। दूसरी खबर, JJMP के नाम पर जा रहा था लेवी मांगने, पुलिस ने दबोचा। हुसैनाबाद में इंदल के खिलाफ दर्ज है डकैती के 1 दर्जन मामले। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा एवं 8 mm का जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल, JJMP का पर्चा तथा लेवी मांगने की चिट्ठी के अलावे एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। अबारी है गढ़वा एक्सप्रेस की पहली खबर। जिले के बंशीधर नगर में छाविमो की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे छाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड प्रदेश में भाजपा की नहीं गुंडों की सरकार है, यहां न्याय पाने के लिए छाविमो की सरकार बनानी होगी। हमें आप सबों का साथ चाहिए, आपके बिना सरकार नहीं बन सकती। दूसरी खबर, DC हर्ष मंगला ने श्रावण माह की दूसरी सोमवारी की शाम राजा पहाड़ी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक से पूर्व उपायुक्त ने विख्यात बंशीधर मंदिर में पूजन अर्चना की। तीसरी खबर, आजसू पार्टी गढ़वा जिले के नेताओं ने आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात कर गढ़वा जिले की स्थिति से अवगत कराया, साथ ही आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। अपारी है कुमला एक्सप्रेस की पहली खबर। बिचड़ा सूखने और खेती में नुकसान होने के कारण किसान ने की आत्महत्या, गुमला प्रखंड के ढिडौली गांव की घटना प्रशासन के होश उड़े। दूसरी खबर, ग्रामीणों की शिकायत पर 5 जनवितरण दुकानों का लाइसेंस रद्द, 20 सूत्री की बैठक में लिया गया निर्णय। अबारी है रामगढ़ एक्सप्रेस की पहली खबर। बिजली बढ़ोतरी को लेकर स्टील फर्नेस एसोसिएशन ने दिया 1 महीने का अल्टीमेटम, कहा 30 अगस्त से रामगढ़ के सभी स्टील प्लांटों में लगेगा ताला। दूसरी खबर, DAV भरिच नगर के छात्रों ने बनाया चंद्रयान 2 का मॉडल, प्राचार्य ने की प्रशंसा, कहा छात्र देश का भविष्य होते हैं। अबारी है हजारीबाग एक्सप्रेस की पहली खबर। अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने चलाया अभियान, 8 गिरफ्तार, 900 किलो चावा महुआ और 110 लीटर शराब जब्त। दूसरी खबर, विधायक जानकी प्रसाद यादव ने बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय, पावर सबस्टेशन तथा BEEO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, कहा अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यशैली में लाएं सुधार। अबारी है चतरा एक्सप्रेस की पहली खबर। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने की मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा बैठक। बैठक में नक्सली हिंसा में मारे गए कुंदा प्रखंड के सकीदाग गांव के शंभू यादव के परिजनों को मुआवजा राशि एवं पुत्र को नौकरी नहीं देने का मामला सामने आया। प्रधान सचिव ने मुआवजा का तत्काल भुगतान करने और पत्नी को नौकरी देने का दिया निर्देश। दूसरी खबर, हंटरगंज प्रखंड में ग्रामीणों ने राशन कार्ड को लेकर आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रत्येक मंगलवार को आपूर्ति पदाधिकारी को कार्यालय में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना है, परंतु ये कार्यालय में नहीं बैठते। तीसरी खबर, कान्हा चट्टी प्रखंड में गहरी नदी का पुल क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने कहा ज्यादा बारिश होने से पुल हो सकता है ध्वस्त, मुख्य बाजार और अन्य गांव से टूट सकता है संपर्क, बड़ी दुर्घटना की आशंका, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। अबारी है कोडरमा एक्सप्रेस की पहली खबर। मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, थाली से गायब हो गए अंडे और फल। BPO अशोक उपाध्याय ने बताया कि 3 माह से विभिन्न स्कूलों में मिड डे मील की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है, परंतु मिड डे मील सुचारू रूप से चालू है। दूसरी खबर, केश कलाकार संघ की ओर से ग्राम चेचाई और विभिन्न जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 101 पौधा लगाया गया। मुख्य अतिथि शालिनी गुप्ता ने कहा पौधारोपण से जरूरी है पौधों को बचाना।
अब बारी है धनबाद एक्सप्रेस की पहली खबर। एसडीएम पहुंचे झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र खनोटी के मल्लाह बस्ती। एसडीएम ने कहा कि जिन लोगों को जरेडा के तहत आवास आवंटन हो चुका है वो अविलंब यहां से हटें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर 182 पर करें शिकायत, मतलब 182 पर करें शिकायत, रेल प्रशासन करेगी त्वरित कार्रवाई। टोल फ्री नंबर 182 पर कॉल करके रेल यात्री किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं, रेल प्रशासन शिकायत के आलोक में त्वरित कार्रवाई करेगी। अब आ रही है बोकारो एक्सप्रेस की पहली खबर। अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम गिरोह के 4 सदस्यों को बोकारो पुलिस ने चास से किया गिरफ्तार। इस गिरोह ने पिछले 4 वर्षों में करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इनमें से 2 देवघर और 2 गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। दूसरी खबर, नदी घाटों से बालू उठाव कराने की मांग को लेकर गोमिया विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बालू उठाव नहीं होने के कारण ट्रैक्टर मालिकों के समकक्ष भुखमरी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। बालू के अभाव में कई सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। अब आ रही है गिरिडीह एक्सप्रेस की पहली खबर। डिबरा खदान से निकल विश्व पटल पर छाई चंपा। कभी डिबरा खदान में बाल मजदूर के रूप में काम कर रही चंपा की चर्चा आज पूरे देश में है। उसे बाल मजदूरी एवं बाल विवाह के खिलाफ बेहतर कार्य करने के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिए चुना गया। ग्रेट ब्रिटेन में उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। दूसरी खबर, 1 साल से नहीं हुई पंचायत समिति की बैठक। प्रखंड अंतर्गत वीडियो की लापरवाही के कारण पिछले 1 साल से पंचायत समिति सदस्यों की बैठक नहीं हुई है। इस बात को ले प्रमुख उप प्रमुख समेत सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। जल्द ही जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया जाएगा। तीसरी खबर, बिरनी में बना सुलभ शौचालय शोभा की वस्तु बनकर रह गया। शौचालय तो बन गया पर पानी के अभाव में नहीं हो रहा इसका उपयोग। शौचालय पर ताले लटके पड़े हैं, ताले को खुलवाने की दिशा में नहीं हो रहा प्रयास। अब बारी है साहिबगंज एक्सप्रेस की पहली खबर। न्यू मॉडल स्कूल में जल संचयन की दिलाई शपथ। न्यू मॉडल स्कूल में जल संचयन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों शिक्षक एवं अभिभावक के बीच जल की महत्ता और पौधा के फायदे के बारे में बताया गया। दूसरी खबर, आज़ादी के जश्न पर रखें तिरंगे के सम्मान का ख्याल। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि जिले में कहीं भी उल्टा तिरंगा नहीं फहरे और शाम के बाद इसे उतार लिया जाए। तीसरी खबर, महिलाएं अब हर क्षेत्र में कर रही तरक्की। नगर परिषद द्वारा टाउन हॉल में 10 दिवसीय रानी मिस्त्री प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उपायुक्त राजीव रंजन एवं नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। अब बारी है देवघर एक्सप्रेस की पहली खबर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बाबा से सबके कल्याण की कामना की। बिहार के नए राज्यपाल फागू चौहान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मंगलवार को बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किया। दूसरी खबर, प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने केस डायरी की मांग की, अब सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित। यादव यौन उत्पीड़न के आरोप में सरेंडर करने के बाद गए हैं जेल। तीसरी खबर, हाई टेंशन तार गिरने से दंपत्ति की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के ग्राम ठाड़ी अर्रा में हाई टेंशन तार गिरने से दंपत्ति की मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही से पति पत्नी की जान चली गई। अब बारी है कोटा एक्सप्रेस की पहली खबर। विद्यालय से शौच को निकले कक्षा 2 के छात्र की तालाब में डूबने से मौत। शौच के बाद पानी छूने के दौरान फंटुश का पैर फिसल गया, वो गहरे पानी में समा गया। उसे डूबते देख सहपाठियों ने बचाने के लिए शोर मचाया, मजदूरों ने बाहर निकाला लेकिन मौत हो चुकी थी। दूसरी खबर, नर्स के भरोसे चल रहा रूपचक स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सप्ताह में 1 से 2 दिन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की बात की जा रही है। बिना चिकित्सक के इस केंद्र में मरीज आने से कतराते हैं। तीसरी खबर, शिक्षकों को दिया गया 5 दिवसीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण। गोड्डा जिला में शिक्षकों को 5 दिवसीय स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। जिले के 48 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
अब बारी है जामताड़ा एक्सप्रेस की पहली खबर। मेले में लगी डॉक्टरों की ड्यूटी, अस्पताल से बगैर इलाज लौट रहे मरीज, ओपीडी में चिकित्सकों की ड्यूटी, रोस्टर का नहीं हो रहा अनुपालन, सिर्फ नर्सों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।